लाइफ इन भिवंडी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवीद मोमिन के यहाँ आए हैं, उनसे मिलना है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या तकलीफें हैं। ये आज 9 महीना पूरा होने को आया, इतने मच्छर इतने मक्खी कैसे रह रहे ये हम लोग जानते हैं। तो कॉर्पोरेटर बोलते हैं साफ करा देंगे, फिर वैसे हो जाएगा। बोले वो हमारे अंडर में नहीं आता है, बोलते ये MMRDA का काम है, इसमें म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का कोई लुकआउट नहीं है, तो इसमें क्या करें, जान दे दे अंदर। अभी 5 फीट पूरा गड्ढा हो चुका है और पूरा कचड़े से भरा हुआ है, लेकिन ना कॉर्पोरेटर इसको निकालने के लिए तैयार है, ना म्यूनसिपालिटी वाला कोई यहाँ पे करने के लिए तैयार है। नवीद मोमिन जी बताइए आपकी। ये MMRDA का काम चालू है गटर का, ये सामने मेरा घर है, छोटे छोटे बच्चे है बाजू में। ये आज 9 महीना 10 महीना होने को आया है, ये खुदा हुआ। कॉन्ट्रेक्टर को फ़ोन करते हैं तो कॉन्ट्रेक्टर फ़ोन नहीं उठाता है। हाँ, कॉन्ट्रेक्टर फ़ोन नहीं, अभी आप हालत देख लो कैसी हालत है। ये आज 9 महीना पूरा होने को आया, इतने मच्छर इतने मक्खी कैसे रह रहे ये हम लोग जानते हैं। क्या आपने किसी कॉर्पोरेटर को इसके बारे में शिकायत दर्ज? बोले तो कॉर्पोरेटर बोलते हैं साफ करा देंगे, फिर वैसे हो जाएगा। बोले वो हमारे अंडर में नहीं आता है। यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है? मोमिन साहब, मोमिन। उनको बोले थे कि अगर साफ करा देंगे तो फिर वैसे इसका कोई रास्ता नहीं है। बोलते ये MMRDA का काम है, इसमें म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का कोई लुकआउट नहीं है, तो इसमें क्या करें, जान दे दे अंदर। अभी म्यूनसिपालिटी के लोग जो यहाँ पे साफ सफाई करने वाले आते हैं, तो वो यहाँ पे आके क्या कर? वो आते खाली ऊपर जो इधर जो रोड दिख रहा है ना, उस पर खाली झाड़ू मारते चले जाते। वो भी आज 1 महीने बाद आया यहाँ झाड़ू मारने। और इस गड्ढे में जो पूरा कचरा जमा हुआ है उसको कोई निकालता नहीं है? उसको कोई छूता ही नहीं है। कितना फीट गड्ढा होगा ये? कम से कम 5 फीट है, पूरा पानी भरा है। अभी आधे में कचरा हो गया पूरा।